वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन मैकेनिज्म, ये हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मैकेनिज्म कैसे करके होता है, इसी को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। किसमें? आज के लेक्चर में, ठीक है। तो वही मैंने हेडिंग लिखा है कि यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में आज हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करके यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़िएगा ना, तो इसमें दो दो इवेंट को पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला जो इवेंट इसमें आता है यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में, जो फर्स्ट इवेंट आता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे करके जो एमआरएनए का चेन होता है वो रिलीज होता है, कहां से? डीएनए से। हाउ द एमआरएनए चेन इज रिलीज फ्रॉम डीएनए, कैसे करके हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का चेन रिलीज होता है फ्रॉम, हम लोग बोलेंगे डीएनए, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 डिसोसिएट करता है किससे, हम लोग बोलेंगे डीएनए से। हाउ आरएनए पॉलीमरेज 2 डिसोसिएट फ्रॉम डीएनए। यही दो इवेंट्स हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है किसमें, हम लोग बोलेंगे यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहां पर यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेशन मैकेनिज्म में याद रखना है, एक मॉडल को हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, और इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं टॉरपेडो मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टॉरपेडो मॉडल ऑफ क्या चीज? यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ठीक है। बस यही हम लोगों को स्टडी करना है किसमें? यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? पहला, कैसे करके एमआरएनए का जो चेन बना है वो डीएनए से डिसोसिएट होगा, रिलीज होगा। दूसरा, कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए से डिसोसिएट होगा, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉरपेडो मॉडल। तो ये टॉरपेडो मॉडल क्या होता है एक्चुअल में? ये जो दो इवेंट्स है ना, ये टॉरपेडो मॉडल से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये सब सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, एक स्टेप में पहले लेकर चलता हूं कि इलोंगेशन मैकेनिज्म में क्या हुआ था। देखिए, इलोंगेशन मैकेनिज्म में अगर आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, तो उसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ ये था कि ऐसे करके इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे 5', और ये कौन सा स्ट्रैंड है, 3', ठीक है। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, देख सकते हैं आप, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं 3', 5' डीएनए का स्ट्रैंड। याद रखना, जो 3', 5' डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड, टेम्पलेट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड। और आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके ही क्या करता है, एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या 5', 3' स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। आप समझिए क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ठीक है। और यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है। इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बना रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज 2 को ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 ऐसे करके, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2, इसको ऐसे लिख रहा हूं, आरएनए पोल 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, मान लो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस है, या टर्मिनेशन साइट है, मान लीजिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन साइट है, ठीक है।
तो ये जब आरएनए पॉलीमरेज टू जब मूव कर रहा था स्ट्रक्चरल एरिया में, तो ये क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा था, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड का यूज करके ये क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा था, एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा था। ये 5' कैप है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए का चेन है, ठीक है। और इस तरह का चीज हम लोग बोलेंगे 3' डायरेक्शन है किसका, एमआरएनए का। याद रखना है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए 5' की तरफ क्या बनता है, कैप का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं 5' कैपिंग। और ये कैपिंग याद रखना है कब होगा, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे ही क्या होगा, कैपिंग होगा। इसीलिए कैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए कैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। क्यों को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस बोलते हैं, इसीलिए को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि ये कैपिंग हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग इलोंगेशन। जैसे इलोंगेशन स्टार्ट होता है एमआरएनए का, तो जब एमआरएनए में 90 या 100 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, तभी हम लोग बोलेंगे क्या चीज स्टार्ट हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 5' कैपिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे करके होता है, ये हम लोग अलग से स्टडी करेंगे कैपिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। और देखिए जब ये एमआरएनए का चेन बन रहा होता है ना यहाँ पर देखो, ठीक है, तो याद रखना है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए को अगर हम लोग देखेंगे, तो ये मान लो क्या चीज है, यूकैरियोटिक एमआरएनए, मान लो ये 5' है, ये 3' एंड है, तो 5' एंड की तरफ क्या होगा, हमेशा कैप का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं 5' एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, अगर कैपिंग नहीं होगा तो ये जो एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या करता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा, तब जाके एमआरएनए क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा। तो एमआरएनए के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग बोलेंगे 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से बचाने के लिए 5' की तरफ क्या होता है, एमआरएनए का यूकैरियोटिक एमआरएनए का क्या होता है, कैपिंग होता है, ठीक है। और एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं 3' एक्सोन्यूक्लियेज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो 3' एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, 3' एंड की तरफ से क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा, कट करना स्टार्ट करेगा, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, जिससे न्यूक्लियोटाइड हटता चला जाएगा और एमआरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो 3' एंड की तरफ क्या होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं, ठीक है, पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं। इसको याद रखना, कैसे करके ये सब होता है, ये हम लोग अलग से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्यों होता है पॉली एडेनाइलेशन, क्योंकि 3' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से बचाने के लिए, एमआरएनए को डिग्रेड होने से बचाने के लिए पॉली एडेनाइलेशन होता है 3' एंड की तरफ, जिसको टेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिंग और पॉली एडेनाइलेशन हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। याद रखना है कैपिंग होगा वो कैसा प्रोसेस है, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैपिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब 90 जब न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए का बन जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट किया जाता है 5' एंड की तरफ, और ये कैपिंग एंजाइम क्या करता है, 5' कैप का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो पॉली एडेनाइलेशन है ना, ये पॉली एडेनाइलेशन याद रखना है, जब आरएनए का ये एमआरएनए का टर्मिनेशन होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है ना, उसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो एमआरएनए है, जब ये एमआरएनए यहां से डीएनए से रिलीज हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पॉली एडेनाइलेशन होगा, मतलब पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब बताने का मतलब कि टर्मिनेशन के टाइम पे देखो ध्यान से, जब एमआरएनए डीएनए से रिलीज हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो टर्मिनेशन मैकेनिज्म में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली टर्मिनेशन मैकेनिज्म में हम लोग बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि ये जो एमआरएनए का जो चेन है ना, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए से रिलीज होगा, ठीक है। ये पहला इवेंट, वही मैंने लिखा है, हाउ द एमआरएनए चेन इज रिलीज फ्रॉम द डीएनए, कैसे करके ये एमआरएनए का चेन डीएनए से डिसोसिएट होगा, बाहर निकलेगा, रिलीज होगा, ये पहला इवेंट हम लोग टर्मिनेशन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं। दूसरा हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हाउ द आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट फ्रॉम डीएनए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो कैसे करके डीएनए के स्ट्रैंड से हटेगा, इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में। और जो आरएनए पॉलीमरेज जो हट रहा है ना डीएनए के स्ट्रैंड से, डिसोसिएट हो रहा है ना,
उसको ही एक्सप्लेन करता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे टॉर्पेडो मॉडल और क्या चीज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली हम लोग को दो इस चीज स्टडी करना है, कैसे करके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का चेन रिलीज होगा, दूसरा कैसे करके हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज डीएनए से रिलीज होगा या डीएनए से डिसोसिएट होगा। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है कि एमआरएनए का चेन जब रिलीज हो जाएगा, डीएनए से बाहर निकल जाएगा, तब जाके क्या हम लोग बोलेंगे थ्री प्राइम एंड की तरह पॉली एडेनाइलेशन होगा या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 आगे की तरफ मूव कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी मूव कर रहा था, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा था, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में एमआरएनए का चेन को बनाता चला जा रहा था इलोंगेशन फेज में। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, इलोंगेशन फेज के बाद देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये वाला जो, ये जो सीक्वेंस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन साइट। ठीक है, टर्मिनेशन साइट का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, अगर हम लोग डीएनए को, अगर हम लोग जीन को देखेंगे तो उसमें याद कीजिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, और वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तीन पार्ट था। एक पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, प्रमोटर एरिया, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या हुआ था, बाइंड किया था अलोंग विद जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनिशिएशन हुआ था। स्ट्रक्चरल एरिया में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन हुआ था। प्रोमोटर में क्या हुआ था, इनिशिएशन हुआ था। स्ट्रक्चरल एरिया में ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हुआ था। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज देखो अब कहां पहुंच जाएगा, टर्मिनेशन एरिया पे पहुंच जाएगा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेशन एरिया है, देखो ध्यान से, ये वाला टर्मिनेशन साइट है। ठीक है, जिसको हम लोग टर साइट भी बोलते हैं, टर्मिनेशन साइट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टर साइट भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, कैसे पता चलेगा टर्मिनेशन साइट है, तो टर्मिनेशन साइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पॉली ए रिच सीक्वेंस। याद रखना है, ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए रिच सीक्वेंस होगा। मतलब देखो ध्यान से, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड, यहां पर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, एडिनिन का सीक्वेंस होगा। यहाँ पर ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, यहाँ पर ए होगा। कितना एडिनिन होगा, हम लोग बोलेंगे 8 से लेके 10 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिनिन रेसिड्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कहाँ, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट पे, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, समझो यहाँ पर क्या चीज, बहुत आसान है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 देखो ध्यान से, जब ये इंटर कर जाएगा किसमें, टर्मिनेशन साइट पे इंटर कर जाएगा ना, तब देखो क्या होगा, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 टर्मिनेशन साइट पे इंटर कर जाएगा तब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले याद कीजिए कि इलोंगेशन पीरियड के टाइम पे, इलोंगेशन फेज के टाइम पे, याद करो आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर क्या चीज, बी, याद कीजिए। दूसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे और एक फैक्टर जुड़ा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज, डी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आई एस एफ, डी आई एस एफ, या सॉरी डी एस आई एफ। ठीक है, ये दो फैक्टर जुड़ा हुआ था, याद कीजिए, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। और ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे क्या था, हम लोग बोलेंगे हेप्टापेप्टाइड एमिनो एसिड्स का क्या था, कंसेंसस सीक्वेंस था, याद कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या चीज, एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है। और एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस में याद करो, ये पांचवा एमिनो एसिड सेरीन था, जिसमें क्या था, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, और दूसरा एमिनो एसिड सेरीन था, जिसमें क्या जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और याद कीजिए, अगर हम लोग इस सीक्वेंस को देखेंगे तो यहां पर देखो, ये पहला सीक्वेंस क्या था, हम लोग बोलेंगे पहला सीक्वेंस क्या था, पहला सीक्वेंस था टायरोसिन। ठीक है, पहला सीक्वेंस एमिनो एसिड का टायरोसिन था। ठीक है, दूसरा जो सीक्वेंस था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड था। तीसरा जो सीक्वेंस था वो कौन सा सीक्वेंस था, प्रोलीन एमिनो एसिड था। चौथा जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो क्या था, थ्रियोनिन एमिनो एसिड था। पांचवा जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो क्या था, सेरीन। छठा जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो क्या था, प्रोलीन। और सातवां जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे सेरीन। याद कीजिए, इसी को हम लोग क्या बोले थे, हेप्टापेप्टाइड बोले थे। क्या बोले थे, हेप्टापेप्टाइड बोले थे, याद कीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कार्बन, ये कार्बन बोल रहा हूँ, ये सेरीन 5 जो है ना, पांचवा नंबर पे जो सेरीन है उसमें फॉस्फोराइलेशन हुआ था। याद कीजिए, वो फॉस्फोराइलेशन कौन किया था, हम लोग बोलेंगे कौन किया था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2H, अगर याद होगा तो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के पास कैसा एक्टिविटी था, काइनेज एक्टिविटी था। और ये किसको फॉस्फोराइलेशन किया था, हेप्टापेप्टाइड में जो पांचवा सेरीन एमिनो एसिड है उसको फॉस्फोराइलेशन किया था। और ये फॉस्फोरेशन इंडिकेट करता है कि प्रोमोटर क्लियरेंस होगा। ये क्या इंडिकेट करता है, कि प्रोमोटर क्या होगा, क्लियरेंस होगा। याद कीजिए, मैंने ये बताया था। ठीक है,
लेकिन जैसे ही इलोंगेशन फेज में इंटर करता है तो सारा का सारा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये इलोंगेशन फैक्टर जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर डी। और ये पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर डी क्या है, अपने आप में ये कैसा हम लोग बोलेंगे, काइनेज एंजाइम है। कैसा काइनेज, तो हम लोग बोलेंगे सीडीके 9, मतलब सेल साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 9। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो ये जो तो दूसरा सेरीन है ना, उस दूसरे सेरीन में क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। दूसरे सेरीन में फॉस्फोराइलेशन ये बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां इंटर कर चुका है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में इंटर कर चुका है। ठीक है, और यही फैक्टर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो DSIF जो फैक्टर है उसको में भी क्या करता है, उसमें भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब ये फैक्टर हम लोग बोलेंगे क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए में लॉक कर देता है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से डिसोसिएट नहीं हो। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से डिसोसिएट करने के लिए ये फैक्टर को क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी जाके आरएनए पॉलीमरेज को क्या होगा, डीएनए से डिसोसिएट होगा। मतलब टर्मिनेशन के टाइम पे हम लोगों को एक भी स्टडी करना है कि कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज को क्या होगा, डीएनए से डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से ये वाला पोर्शन को, ठीक है, और ये वाला पोर्शन को भी मैं मिटा रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूं। अब देखो यहां पर देखिए, अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2, याद रखना है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां पर पहुंचेगा, टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से ऐसे दिखेगा ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट है। यहां पर क्या पहुंच गया, आरएनए पॉलीमरेज 2 पहुंच गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है, 5', ये वाला कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है, 3', ये वाला कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है, 3', ये वाला कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है, 5'। सिंपल, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, यहां पर ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है ऐसे करके, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये टेल ऑफ दी आरएनए पॉलीमरेज 2 है, या हम लोग बोल सकते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन भी इसको बोल सकते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन या टेल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2। और ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, यही वाला डायग्राम को बना रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला जो साइट है ना, ये वाला कौन सा साइट है, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट है। और टर्मिनेशन साइट में देखो ध्यान से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉली ए रिच सीक्वेंस है। तो ये सब क्या है, देखो ध्यान से, ये पॉली ए रिच क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीक्वेंस है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन बबल है, यहाँ पर मतलब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन बबल के साथ कहाँ पहुंच गया, टर्मिनेशन साइट पे इंटर कर गया। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, एमआरएनए का चेन को तो बनाएगा ही बनाएगा ना, देखो ध्यान से ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का चेन को बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यू होगा, यू होगा, यू यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, ये 3', ठीक है, और ये क्या होगा, mRNA का 5', क्या 5', ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैसेंजर RNA, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चेन है, मैसेंजर RNA या mRNA का चेन है। ठीक है, और इसके साथ देखो ध्यान से क्या क्या फैक्टर्स अभी तक जुड़ा हुआ है, अभी तक इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या क्या फैक्टर जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे DSIF फैक्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड DSIF फैक्टर, और कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये हेप्टापेप्टाइड में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये सातवां क्या चीज, अमीनो एसिड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अमीनो एसिड, उसमें से दूसरे सेरीन पे क्या चीज है, फॉस्फोराइलेशन है, और पांचवा सेरीन पे क्या चीज है, फॉस्फोराइलेशन है। देखो तो यही स्टेप होगा ना। ठीक है, ये mRNA का चेन है, अब देख सकते हैं, अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे ही हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां पर इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे कहां इंटर कर जाएगा, ये वाला कौन सा सीक्वेंस है, ये वाला हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट है या टर्मिनेशन सीक्वेंस है। जैसे इंटर कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2, वैसे ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक फैक्टर रिक्रूट होगा, और उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, एक फैक्टर रिक्रूट होगा और उस फैक्टर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 7SK, क्या चीज, 7SK, 7SK SNRNP। ठीक है, ये टर्मिनेशन फैक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, टर्मिनेशन फैक्टर है कौन, 7SK SNRNP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा 7SK, एस से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर, क्या चीज, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन।
ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होगा। याद रखना ये क्या चीज है, टर्मिनेशन फैक्टर है। तो ये टर्मिनेशन फैक्टर कब रिक्रूट हुआ, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 इंटर किया, कहां पर, टर्मिनेशन साइट पे इंटर किया, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे रिक्रूटमेंट हुआ क्या चीज, टर्मिनेशन फैक्टर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7SKSNRNP, मतलब 7SK स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो उसको मैं ये डायग्राम से समझा रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 7SNRNP, यही फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर देखो रिक्रूट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फैक्टर रिक्रूट हुआ ना, ये फैक्टर क्या करेगा, तो देखो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पहला काम ये क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, किसमें हम लोग बोलेंगे, DSIF में जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसका क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, पहला चीज ये करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। दूसरा चीज हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, दूसरा चीज ये क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को रिक्रूट कराएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेरीन फॉस्फेटेज। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन फॉस्फेटेज एक एंजाइम को रिक्रूट कराएगा। कहां पर रिक्रूट कराएगा, तो हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को रिक्रूट कराएगा टेल ऑफ या कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, और तीसरा काम क्या करेगा देखो ध्यान से, ये तीसरा काम ये करेगा कि आप लोग बोलेंगे दो फैक्टर को जो कि एमआरएनए को रिलीज कराएगा डीएनए से और पॉलीएडेनाइलेशन करेगा, उस दो फैक्टर को रिक्रूट करेगा कौन, ये वाला फैक्टर 7SKSNRNP। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर इस पासे करके बना रहा हूं, कहां पर रिक्रूट करेगा, तो याद रखना है ये कहां पर रिक्रूट करेगा, तो ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में दो फैक्टर को रिक्रूट करेगा। ठीक है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, पहला जो फैक्टर है इस पासे दिखा रहा हूं, पहला फैक्टर को हम लोग बोलते हैं CPSF। ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहां पर लिख रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, CSTF। ठीक है, CPSF याद रखना है, देखो ध्यान से, CPSF का फुल फॉर्म क्या चीज है, CPSF का फुल फॉर्म है क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। और दूसरा CSTF, देखो ध्यान से, CSTF का फुल फॉर्म क्या चीज है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एमआरएनए को रिलीज कराने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए, एमआरएनए के चेन को डीएनए से रिलीज कराने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए। और हम लोग बोलेंगे ये जो रिलीज हो जाएगा एमआरएनए, उसके 3' पे क्या चाहिए, पॉलीएडेनाइलेशन होना पड़ेगा ना, या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा ना, तो वो कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला मैंने यहां पर ये बोला कि ये जो टर्मिनेशन फैक्टर है 7SKSNRNP, ये कब रिक्रूट होगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट पर पहुंचेगा, तब ये रिक्रूट हो जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 से जुड़ जाएगा, कौन, 7SKSNRNP जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो। और अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये तीन काम को करेगा, पहला हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो DSIF में जो फॉस्फोराइलेशन है इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, पहला काम। दूसरा काम ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को रिक्रूट कराएगा, कहां पर, टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 या कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, और उस एंजाइम का हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीन फॉस्फेटेज। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम ये क्या करेगा, तीसरा काम हम लोग बोलेंगे ये दो फैक्टर को रिक्रूट कराएगा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में, और ये फैक्टर, एक फैक्टर को हम लोग बोलेंगे CPSF, दूसरा क्या बोलेंगे CSTF। CPSF क्या कराएगा, mRNA जब रिलीज हो जाएगा DNA से, तो ये क्या कराएगा, ये हम लोग बोलेंगे पॉलीएडेनाइलेशन कराएगा, या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन कराएगा, किस पे, हम लोग बोलेंगे 3' एंड ऑफ mRNA पे। याद रखना है, कब, ये जब mRNA रिलीज हो जाएगा DNA से, तब,
और दूसरा सीएसटी अब क्या करेगा, देखो ध्यान से, कि ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ना, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कि एमआरएनए को रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये एमआरएनए को क्या करवाने में हेल्प करेगा, रिलीज कराने में हेल्प करेगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे डीएनए से, ठीक है। तो वही तो हम लोगों को स्टडी करना है, देखो ध्यान से, कि कैसे करके एमआरएनए चेन रिलीज होगा डीएनए से, तो इसमें ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज 2 डिसोसिएट होगा, वो हम लोग देखेंगे टॉरपेडो मॉडल में, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसी डायग्राम को देखो यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, इसी डायग्राम को मैं अब यहां पर बना रहा हूं, देखना ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए, यहां पर समझिए, यहां पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला वाला डीएनए के स्ट्रैंड है, ये क्या चीज है, टर्मिनेशन साइट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा है, 5'3' एंड है, देख लो ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। और ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये हम लोग बोलेंगे 3'5' डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये वाला क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है ना, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या चीज है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज 2 याद रखना है, ठीक है। और ये वाला साइट क्या चीज है, टर्मिनेशन साइट है, देख सकते हैं टर्मिनेशन साइट, ठीक है। और ये वाला आप लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, सिंपल। अब देखो क्या चीज है, अब यहां पर समझिए, देखो ध्यान से, यहां पर ये 7SKSSNRNP यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये यहां पर ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, 7SK क्या चीज, SNRNP, ठीक है, यही है। अब ये क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, देखो किसमें, हम लोग बोलेंगे DSIF फैक्टर में, जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन होगा, किसका हम लोग बोलेंगे DSIF से, मतलब DSIF इलोकेशन फैक्टर से जैसे ही फॉस्फेट हटेगा, तो ये हम लोग बोलेंगे DSIF कहां से हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज से डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर से क्या हट गया, हम लोग बोलेंगे DSIF यहां से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हट गया, देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे DSIF क्या हो गया, रिमूव हो गया, किससे, आरएनए पॉलीमरेज 2 से, क्यों, क्योंकि ये जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो क्या किया, DSIF में जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ था उस फॉस्फेट को हटा दिया, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन कर दिया, जैसे डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये वाला जो फैक्टर है इलोकेशन फैक्टर वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 से हट जाएगा, तो ये हट गया पहला। दूसरा देखो, अब देखो ये जो 7SKSNRNP है ना, ये जैसे ही एसोसिएट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, तो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर है वो भी क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 से क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ठीक है, सिंपल। मतलब ये 7SKSNRNP का बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, पहला ये डीफॉस्फोराइलेशन किया, DSIF जो इलोंगेशन फैक्टर है जिसकी वजह से ये इलोंगेशन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 से हट गया। दूसरा ये क्या करेगा, जैसे रिक्रूट होगा ये टर्मिनेशन फैक्टर, वैसे हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज से ये जो फैक्टर है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ये भी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा, ठीक है। अब अगला ये काम क्या किया, ये अगला काम देखो क्या किया, हम लोग बोलेंगे यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो टेल है ना, यहां पर पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अमीनो एसिड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अमीनो एसिड है। तो दूसरे अमीनो एसिड में क्या है, फॉस्फेट है, पांचवा अमीनो एसिड में क्या चीज है, फॉस्फेट है, ठीक है। दूसरे सेरीन में, सेकंड सेरीन जो अमीनो एसिड है उसमें फॉस्फेट है, और फिफ्थ सेरीन में क्या चीज है, देखो फॉस्फेट है, ठीक है। ये फॉस्फेट को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये जो टर्मिनेशन फैक्टर है 7SKSNRNP, वो क्या किया है, सेरीन फॉस्फेटेज को रिक्रूट करवाया, ठीक है। कहां पर रिक्रूट करा, आप लोग बोलेंगे टेल ऑफ क्या चीज, टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये जो सेरीन फॉस्फेटेज है ना, देख सकते हैं आप लोग, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो सेरीन फॉस्फेटेज है ना, ये सेरीन फॉस्फेटेज क्या करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सेरीन फॉस्फेटेज, ये सेरीन फॉस्फेटेज क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट जो जुड़ा हुआ है ना किसके साथ, सेकेंड सेरीन के साथ और फिफ्थ सेरीन के साथ, ये फॉस्फेट को ये क्या करेगा, ये एंजाइम हटा देगा और खुद भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फेट भी देखो हट गया, और ये एंजाइम भी क्या हो गया, यहां से हट गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा, देख लो ऐसे दिखेगा, ये एंजाइम भी क्या हो गया, यहां से हट गया,
ठीक है, मतलब डीफॉस्फोराइजेशन हुआ, इसको ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम देखो ऐसे दिखेगा ऐसे करके, ठीक है ऐसे दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग, ये फॉस्फेट हट गया। और अगला देखो ध्यान से, अगला ये एंजाइम क्या, अगला ये जो टर्मिनेशन फैक्टर ना 7SKSNRLP, वो क्या कर रहा है, दो हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक फैक्टर को जोड़ रहा है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज, तो जिसको बोलते हैं क्या, क्या जिसको बोलते हैं CPSF, याद रखना है। और दूसरा को क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, CSTF, याद रखना है यही, ठीक है। देख सकते हैं यही सारा काम कौन किया, हम लोग बोलेंगे 7SKSNRNP किया, ठीक है। तो मैं देखो आप क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या चीज है, ये क्या चीज है आरएनए पॉलीमरेज, ये वाला का क्या है, यहां पर क्या चीज है आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एमआरएनए का क्या चीज है, ऐसे करके देखो ये एमआरएनए का चेन है, ऐसे करके ये 5 प्राइम कैप है, ठीक है, और ये क्या है 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम ओएच है, और यहां पर कौन सा सीक्वेंस है, देखो ध्यान से यहां पर कौन सा सीक्वेंस है, यू 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 ऐसे करके, यहां पर क्या यूरासिल 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 ऐसे करके, ठीक है, ये mRNA में है। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रैंड है जिसको बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड या 3'5' डीएनए का स्ट्रैंड, और ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड में क्या है, एडिनिन, एडिनिन टर्मिनेशन साइट पे क्या कौन सा सीक्वेंस है, एडिनिन सीक्वेंस है, तो ऐसा दिखेगा डायग्राम, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन फैक्टर यही है जो कि सारा का सारा फंक्शंस को किया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये दोनों फैक्टर भी हट गया, और क्या हुआ, ये जो फॉस्फेट था दूसरे सेरिंग पे और पांचवें सेरिंग पे वो भी हट गया, और दो नया फैक्टर आके किससे जुड़ गया, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन और आरएनए पॉलीमरेज 2 से आकर जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए अब याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अभी भी देखो ध्यान से एमआरएनए रिलीज नहीं हुआ है डीएनए से, और आरएनए पॉलीमरेज अभी भी डीएनए से लगा हुआ है, अभी भी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से डिसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अभी भी मैंने क्या बोला मैंने ये बोला, ये जो CSTF है ना, जिसको क्या बोलते हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर ना, यही इस mRNA को डिसोसिएट कराएगा या रिलीज कराएगा डीएनए से, अभी देखेंगे, ठीक है। और ये जो CPSF है ना, ये क्या करेगा, जब रिलीज हो जाएगा mRNA तो 3 प्राइम एंड की तरफ क्या करेगा, पॉली एडेनाइलेशन करेगा, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा वही अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि कैसे करके mRNA का जो चेन होता है वो रिलीज होता है, और हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो कैसे करके डीएनए से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट होता है, कैसे करके पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, ये सब मैं अभी यहां पर बताने वाला हूं। और ये टॉर्पेडो मॉडल क्या होता है टर्मिनेशन का, वो सब मैं बताने वाला हूं अभी, ठीक है। देखो देखिए समझिए, बहुत ईजी है, देखो ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें याद रखना कि इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी रिच सीक्वेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टी रिच सीक्वेंस मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी रिच सीक्वेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी रिच सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस क्या होगा, देखो ध्यान से, टी टी ए टी टी, ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसके बगल में हम लोग बोलेंगे और एक सीक्वेंस मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सी ए रिच सीक्वेंस, क्या बोलेंगे, सी ए रिच सीक्वेंस, इसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, सी ए रिच सीक्वेंस बोलेंगे। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला कौन सा सीक्वेंस होगा, हम लोग बोलेंगे सी ए रिच सीक्वेंस, इसको क्या बोलेंगे, सी ए रिच क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, सी ए रिच सीक्वेंस मिलता है। अब देखो, अब यहां पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सी सी ए ए सी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सी ए रिच सीक्वेंस। ये किसमें मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसमें मिल रहा है। तो जब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज टू जब एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है ना, तो उस टाइम पे ये वाला सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर एमआरएनए में सीक्वेंस बना होगा, और ये वाला जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर सीक्वेंस बना होगा, ठीक है। तो टी रिच जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस जो एमआरएनए में बनेगा वो क्या बनेगा, बट ऑब्वियस है टी रिच है ना, तो यहां पर क्या बनेगा, ए रिच सीक्वेंस बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली ए, पॉली ए रिच क्या चीज, सीक्वेंस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सी ए रिच सीक्वेंस है, जो ये टेम्पलेट डीएनए के स्टैंड में, जब वो उससे एमआरएनए बना होगा, तो यहां पर क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे
क्या चेंज, सी का जी होगा, ए का क्या, जी यू रिच सीक्वेंस, जी यू रिच क्या चीज, सीक्वेंस यही बोलेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर टी टी ए टी टी है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी रिच सीक्वेंस, या क्या बोल रहे हैं, पोली पोली टी रिच सीक्वेंस बोल सकते हैं, पोली टी रिच सीक्वेंस। जब इसमें जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ये वाले स्ट्रैंड से जब एम आर एन ए बना होगा, तो ये सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पोली टी है ना, ठीक है, डीएनए में, तो ये एम आर एन ए में क्या होगा, पोली ए होगा, मतलब टी का क्या होगा, देखो ध्यान से, टी का क्या होगा, टी का हम लोग बोलेंगे ए होगा, फिर सी ए टी का क्या होगा, ए होगा, ये ए का क्या होगा, यू होगा, टी होगा, सॉरी टी का क्या होगा, ए होगा, और ये टी का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोली ए रिच सीक्वेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोली ए सिग्नल, याद रखना है, पोली ए सिग्नल प्रेजेंट कहां पर, हम लोग बोलेंगे एम आर एन ए पे, ठीक है। और यहां पर क्या है, सी का क्या होगा, सी का क्या होगा, देखो ध्यान से, सी का क्या होगा, जी होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, ए का क्या होगा, यू होगा, एम आर एन ए में ए का क्या होगा, यू होगा, और सी का क्या होगा, जी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीओ रिच सीक्वेंस, ठीक है, एम आर एन ए में ऐसे करके बनेगा। अब देखिए समझिए क्या चीज है, यहां पर ये जो पोली ए रिच सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोली ए रिच सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। और जीओ रिच सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्लीवेज सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया, देख लो बहुत आसान है कि यहां पर क्या है, जो ये टेम्पलेट जो डीएनए का स्ट्रैंड है, एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड में क्या होगा, पोली टी रिच सीक्वेंस मिलेगा, और क्या मिलेगा, सी ए रिच सीक्वेंस मिलेगा। पोली टी रिच जो सीक्वेंस है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे जो एम आर एन ए में जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, पोली ए रिच होगा। और जब सी ए रिच जो सीक्वेंस है, जो टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में मिल रहा है, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, सी ए से क्या होगा, जी यू रिच सीक्वेंस मिलेगा। तो एम आर एन ए का याद रखना, ये जो पोली ए रिच सीक्वेंस है इसको हम लोग पोली ए सिग्नल भी बोलते हैं, और ये टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है। और जी यू रिच सीक्वेंस जो है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज सीक्वेंस है। यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज होगा, और एम आर एन ए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे करके क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, इसके बाद ये होता है, देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके बीच में क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फिर यहां पर क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सीपीएसएफ फैक्टर है ना, देखो ध्यान से, सीपीएसएफ का मतलब क्या है, क्लीवेज पोली रियलाइजेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, पोली ए सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये किससे बाइंड कर जाएगा, पोली ए सिग्नल, पोली ए सिग्नल या पोली ए रिच सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके बाइंड कर जाएगा, कौन, सीपीएसएफ, देख सकते हैं ये सीपीएसएफ किससे बाइंड कर गया, पोली ए सिग्नल से बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया सीपीएसएफ। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे सीएसटीएफ जो है ना, वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे वो एमआरएनए में जो जीयू रिच सीक्वेंस होता है ना, जो पोली ए रिच सीक्वेंस के जस्ट बगल में होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, सीएसटीएफ। और सीएसटीएफ किसके साथ जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे जीयू रिच सीक्वेंस के साथ कौन जुड़ जाता है, सीएसटीएफ जुड़ जाता है। तो देखो ऐसे दिखेगा डायग्राम, देख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, सीएसटीएफ जो है ना, देखो ध्यान से, CSTF जो है वो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, वही क्या करेगा, mRNA को रिलीज कराएगा पहला। और दूसरा क्या चीज है, CPSF है ना, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA में क्या करेगा, पॉलीएडेनाइलेशन कराएगा, क्योंकि इसका इसका कोर पर क्या चीज है, CPSF का क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे ये फैक्टर जुड़ेगा ना, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव जो सीक्वेंस उसके साथ जब जुड़ जाएगा, तब देखो क्या करेगा, ये जो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ना, ये क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, यहां से क्या कर देगा, ऐसे करके कट कर देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे कौन कट कर देगा, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, याद रखना है। जैसे ही क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर यहां से एमआरएनए को कट कर देगा, तो ये देखो ये जो एमआरएनए है वो रिलीज हो जाएगा ऐसे करके। देखो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, ये क्या चीज है, 5 प्राइम कैप है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये वाला एमआरएनए देखो रिलीज हो गया, ए ए यू ए ए, ये कौन सा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड, इस तरफ 3 प्राइम एंड होगा ना, ठीक है, देखो रिलीज हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, सीपीएसएफ अभी तक जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखो रिलीज हो गया।
बाकी का जो पोर्शन है वो पोर्शन अभी तक यहाँ पर है, देख देख सकते हैं आप लोग बाकी का, देखो ये सब जो भी यहाँ पर फैक्टर्स है ये सब फैक्टर्स देख सकते हैं अभी तक यहाँ तक है, ठीक है। मतलब mRNA क्या हो गया, रिलीज हो गया, जिसको हम लोग ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ये रिलीज हो गया ऐसे करके, इसको दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया ऐसे करके mRNA, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोले थे, CSTF को हम लोग क्या बोले थे, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो mRNA चेन को DNA से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो 3' एंड है ना, ठीक है, ये 3' एंड जो है 3' OH एक्चुअल में होगा, यहाँ पर 3' OH जो mRNA, ये क्या चीज है, mRNA का चेन है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, CPSF जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है, जैसे ही mRNA का चेन रिलीज होता है तो ये हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को सिग्नल देता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पॉली ए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं पैप। पैप का फुल फॉर्म क्या होता है, पैप एंजाइम का फुल फॉर्म होता है पॉली ए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है, ठीक है। तो ये वैसा एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंजाइम है, या क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, कौन, पैप, ठीक है। मतलब पैप को काम करने के लिए कोई भी DNA का स्ट्रैंड नहीं चाहिए, कोई भी RNA का स्ट्रैंड नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैसा पॉलीमरेज, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज है। तो देखो ये क्या करता है पैप, ये पैप क्या करता नहीं, जो 3' एंड के तरफ 3' OH जो है ना mRNA का, वहां पर ये क्या करता है, देखो ध्यान से क्या करता है, एडेनिन जो ये होता है, ये एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको जोड़ने लगता है, क्योंकि पॉली ए पॉलीमरेज है ना, तो ए मतलब ये किसको पॉलीमराइजेशन करेगा, पैप, एडेनिन को ही तो पॉलीमराइजेशन करेगा ना 3' एंड में। तो 3' एंड की तरफ ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ता चला जाता है, ठीक है। तो कितना एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ देता है, तो हम लोग बोलेंगे 200 एडेनिन रेसिड्यू को, याद रखना है, जोड़ देता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम, पैप एंजाइम, किस तरफ, 3' एंड ऑफ क्या चीज, mRNA, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएडेनाइलेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएडेनाइलेशन, या क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और देखो यहां पर ध्यान से, ये जो पॉली ए पॉलीमरेज जो पैप एंजाइम है, इसको काम करने के लिए ये एडेनिन को कहां से ला रहा है, तो ये एडेनिन को ला रहा है कहां से, हम लोग बोलेंगे एटीपी का यूज कर रहा है ये वाला एंजाइम, ठीक है। और ये एटीपी से ये एडिनोसिन जो एडेनिन है उसको ये यूज कर रहा है कहां पर जोड़ने के लिए, हम लोग बोलेंगे 3' एंड को एंड में जोड़ने के लिए। तो ये जितना दो लगभग कितना एडेनिन को जोड़ता है 3' एंड की तरफ, 200 एडेनिन को जोड़ता है, इसका मतलब ये कितना एटीपी का यूटिलाइजेशन किया, हम लोग बोलेंगे 200 ATP का यूटिलाइजेशन करके ये क्या किया, 200 एडेनिन को 3' एंड ऑफ mRNA की तरफ क्या किया, जोड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीएडेनाइलेशन बोलते हैं। अब ये पॉलीएडेनाइलेशन क्यों जरूरी है, ये पॉलीएडेनाइलेशन हम लोग बोलेंगे इसीलिए जरूरी है क्योंकि टू प्रिवेंट, हम लोग बोलेंगे 3' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी। ये जो 3' एक्सोन्यूक्लीज एंजाइम है ना, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, mRNA को 3' एंड की तरफ से कट करता चला जाता है, उसके एक्टिविटी से बचाने के लिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है mRNA के 3' एंड के तरफ। जैसे ही ये पैप एंजाइम एडेनिन को जोड़ना स्टार्ट करता है, वैसे हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर है CPSF, वो हम लोग बोलेंगे mRNA से रिलीज हो जाता है, हट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन। तो आप देख सकते हैं जो CPSF जो फैक्टर था, वो फैक्टर किसको रिक्रूट कराया, पैप एंजाइम को, और ये पैप एंजाइम क्या है, पॉली ए पॉलीमरेज, जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, देख सकते हैं कि ये RNA में क्या किया, हम लोग बोलेंगे बिना टेम्पलेट का यूज करके ये क्या किया, 200 एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ दिया 3' एंड की तरफ mRNA में, और एडेनिन को जोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए था, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए था। तो 200 अगर एडेनिन को जोड़ा है तो इसके लिए कितना एटीपी चाहिए, 200 एटीपी चाहिए, किसको, पैप को काम करने के लिए। याद रखना है कि 200 एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ता है 3' एंड ऑफ mRNA, जिसको हम लोग पॉली एडेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, खैर ये जो पॉली एडेनाइलेशन है ना, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, अभी मुझे बताना है कि mRNA रिलीज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलीएडेनाइलेशन होता है 3' एंड की तरफ, और 5' एंड की तरफ क्या होता है, कैपिंग होता है। तो ये कैपिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ये हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन टाइम के ही हम लोग बोलेंगे समय क्या होता है, कैप का फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन पॉलीएडेनाइलेशन कब होता है, जब टर्मिनेशन होता है,
mRNA का चेन रिलीज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन होता है। इसीलिए पॉलीएडेनाइलेशन को हम लोग किस में स्टडी करते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब तो ये तो mRNA रिलीज भी हो गया, पॉलीएडेनाइलेशन भी हो गया, लेकिन अभी भी देखो यहां पर क्या चीज है, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये RNA polymerase 2 क्या चीज है, फंसा हुआ है किस में, DNA में। तो RNA polymerase 2 को क्या करना होगा, हटाना होगा। और अभी भी देखो यहां पर mRNA का चेन यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ हम लोग बोलेंगे यहां पर प्रेजेंट है। ये mRNA का चेन को भी क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो अब देखो अब यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये यहां पर ये वाला कौन सा एंड होगा, ये 3 प्राइम है, तो ये वाला कौन सा होगा, mRNA का 5 प्राइम एंड होगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे mRNA का चेन है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो mRNA का 5 प्राइम एंड है ना, इसमें कोई भी कैप नहीं है, देखो कोई भी कैप नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब विदाउट जो कैपिंग है 5 प्राइम एंड का, वो हम लोग बोलेंगे सिग्नल होता है किसके लिए, वो सिग्नल होता है हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, याद रखना है। ठीक है, कैपिंग अगर कैपिंग नहीं होगा तो कैपिंग नहीं होगा 5 प्राइम एंड की तरफ, तो ये विदाउट कैपिंग सिग्नल होता है किसके लिए, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए। अब ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है 5 प्राइम एंड की तरफ, ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर हम लोग बोलेंगे जैसे ही क्लीव किया CSTSF, तो ये फैक्टर रिलीज हो जाता है किससे, हम लोग बोलेंगे mRNA के चेन से। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज है, ये जो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है ना, ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, एक एक न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम एंड की तरफ से क्या करता चला जाएगा, ऐसा हटाता चला जाएगा, ऐसा हटाता चला जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा हटाता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या करता चला जाएगा, कट करता चला जाएगा, किसको हम लोग बोलेंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को किससे हम लोग बोलेंगे mRNA से, किस तरफ से, 5 प्राइम एंड की तरफ से जाएगा 3 प्राइम एंड की तरफ से। तो देख सकते हैं आप लोग mRNA यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, mRNA का जो भी पोर्शन बचा हुआ था वो खत्म हो गया, एक्चुअल में जो mRNA था वो तो रिलीज हो चुका है। ठीक है, अभी देखो अभी भी DNA कहां पर हम लोग बोलेंगे फंसा हुआ है, कहां पर हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट पे। तो आप देखो क्या होता है, दो चीज यहां पर होता है, यही होता है टॉर्पेडो मॉडल। देखो टॉर्पेडो मॉडल ये बताता है कि कैसे करके RNA पॉलीमरेज किससे डिसोसिएट हो, DNA से डिसोसिएट हो। तो डिसोसिएट होने का पहला रीजन देखो क्या चीज है RNA पॉलीमरेज का, हम लोग बोलते हैं कि जब RNA पॉलीमरेज 2 टर्मिनेशन साइट पे इंटर करता है, टर्मिनेशन साइट पे इंटर करता है, तो हम लोग बोलेंगे RNA पॉलीमरेज 2 में ये टर्मिनेशन सिग्नल की वजह से, सीक्वेंस की वजह से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। क्या चेंज आता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है किस में, RNA पॉलीमरेज 2 के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज 2 क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे DNA से क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, याद रखना है। ठीक, RNA पॉलीमरेज 2 क्या होता है, DNA से क्या कर जाता है, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर जाता है। कब, जैसे RNA पॉलीमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुंचेगा, तो टर्मिनेशन जो सिग्नल होता है, टर्मिनेशन साइट पे टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है, वो RNA पॉलीमरेज में कंफर्मेशनल चेंज लाता है, RNA पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चरल चेंज होगा, और ये स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से RNA पॉलीमरेज 2 DNA से डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जब mRNA रिलीज हो जाता है ना, तो यहां पर देखो अब जो ये बचा हुआ जो mRNA है उसमें कोई भी कैप नहीं रहता है। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड के तरफ जब कैप नहीं रहेगा, तो ये कैप नहीं रहेगा, इसको सेंस कर लेता है कौन, RNA पॉलीमरेज 2। अब RNA पॉलीमरेज 2 जैसे ही सेंस कर लेगा, तो RNA पॉलीमरेज 2 में क्या होगा, कंफर्मेशनल चेंज होगा, और RNA पॉलीमरेज 2 क्या होगा, DNA से डिसोसिएट कर जाएगा। इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टॉरपेडो मॉडल, और क्या चीज, डिसोसिएशन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 फ्रॉम DNA। ठीक है, तो यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन क्या चीज मैकेनिज्म यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखो ध्यान से, ये 7SKSNRNP कब रिलीज होगा, तो ये तब रिलीज होगा जब हम लोग बोलेंगे RNA पॉलीमरेज 2 में क्या आएगा, कंफर्मेशनल चेंज आएगा, वो कंफर्मेशनल चेंज की वजह से ये वाला फैक्टर भी हट जाएगा, और हम लोग बोलेंगे RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो भी DNA से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मैकेनिज्म का। ठीक है, तो ये खत्म होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मैकेनिज्म। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो mRNA बना उसका प्रोसेसिंग कैसे करके होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर लीजिए, अभी तक हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म था
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनिशिएशन मैकेनिज्म, इलोंगेशन मैकेनिज्म एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म ये कंप्लीट स्टडी कर लिया, मतलब यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये जो एमआरएनए बनाना, ये एमआरएनए का क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या 5' कैपिंग का 5' कैप का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, और ये कैपिंग का क्या फंक्शन होता है, 3' एंड की तरफ ये पॉलीएडीनाइलेशन कैसे करके होता है, ये पॉलीएडीनाइलेशन का क्या फंक्शन होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।